विदेश से लौटते ही सफाई देने लगे राहुल गांधी। भाजपा पर झूठ फैलाने का बढ़ा आरोप। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता का पारा हुआ हाई। राहुल और कांग्रेस को सच्चाई से दिखा दी औका। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं नमस्ते। राहुल गांधी को लेकर देश भर में विरोध है। उनके अमेरिका में दिए गए बयानों को लेकर लोगों में उबाल है, गुस्सा है। ऐसे में अपनी राजनीतिक एजेंडे के तहत राहुल गांधी जैसे ही देश वापस लौटे, उन्होंने अपने बयानों को लेकर सफाई देना शुरू कर दिया। सफाई क्या, एक तरह से समझिए कि अपने बयानों को सही बताने लगे और इसे लेकर भ्रम फैलाने का आरोप बीजेपी के मथे मल दिया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर अपने बयान को पोस्ट किया और लिखा, भाजपा अमेरिका में मेरी टिप्पणी को लेकर झूठ फैला रही है। मैं देश विदेश के हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूँ, मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या? क्या भारत को एक ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहाँ हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके? हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वे सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं। विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द फाइट इज अबाउट। फाइट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दैट इज सुपरफिशियल। व्हाट इज योर नेम ब्रदर, या विद द टर्बन, व्हाट इज योर नेम? बलिंदर सिंह। द फाइट इज अबाउट वेदर ही as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to a gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. अब राहुल गांधी की सफाई से भी राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार की स्थिति देखने को मिल रही है। जैसे ही राहुल गांधी ने पोस्ट किया, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और फिर शुरू हुआ वार पलटवार का दौर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की सफाई पर ऐसी बात कही जिसे सुनकर राहुल गांधी की बोलती बंद हो जाएगी। देखिए, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला जी दिल्ली में आके कुछ बयान देते थे, जम्मू कश्मीर में जाकर दूसरा बयान देते थे, इसी तरह से राहुल गांधी जी विदेश से बाहर जाकर दूसरा बयान देते हैं, घर में आकर फिर उस बयान से पलटने का काम करते हैं। सच्चाई ये है, जब जब राहुल गांधी जी का विदेशी दौरा हुआ, उन्होंने भारत को नीचा दिखाने का काम किया, देश का अपमान किया और इतना झूठ बोला है एक के बाद दूसरा। और मुझे समझ में नहीं आता कि एक के बाद दूसरी बार कोई व्यक्ति कैसे इतना झूठ बोल सकता है। और राहुल गांधी जी ने तो नए रिकॉर्ड बना दिए झूठ बोलने के और भारत के अपमान करने के। क्या ये सच नहीं कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर सिखों के बारे में जो टिप्पणी की कि सिख समुदाय पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, कृपाण नहीं लगा सकता, गुरुद्वारे नहीं जा सकता? वो यही नहीं रुके, उन्होंने 1984 का दौर याद किया और फिर कांग्रेस सरकार के राज में सिखों पर हुए अत्याचार की याद दिलाई और कहा, अरे सिखों का अपमान, हत्याएं कहीं पे हुई थी तो राजीव गांधी जी के दौर में 1984 में, गले में टायर डाल के उनको मार दिया गया था, गले रेत दिए गए थे, केश काट दिए गए थे, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ था। न्याय दिलाने का काम उसमें भी मोदी सरकार के आने के बाद SIT गठन करके हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर विरोधियों का साथ देने का आरोप भी लगाया और कहा, कांग्रेस का हाथ भारत विरोधियों के साथ, जिन जिन से इनकी मुलाकात हुई, चाहे चीन में जाकर हुई, भारत के अंदर चीन के अधिकारियों से हुई, या अमेरिका में जाकर अमेरिका के उस सांसद से जो भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा खोल के रखती हैं और पाकिस्तान प्रेम उनमें दिखता है। तो राहुल गांधी जी हम नहीं कहते, अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह उठे हैं। साफ दिखता है कि इरादे कांग्रेस और पाकिस्तान के एक जैसे हैं, एक जैसी सोच है, लक्ष्य एक जैसा है। तो सुना आपने कि किस तरह से राहुल गांधी की सफाई पर अनुराग ठाकुर ने उन्हें उनकी और कांग्रेस पार्टी की सच्चाई दिखाकर रख दी। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी जो सफाई दे रहे हैं वो सही है या अनुराग का बयान? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।